ये कहानी नहीं है, मालवा अंचल के बंडिया जंगल का आदिवासी रमसू पूरा नाम तो खुद भी नहीं जानता, नहीं ये जानता था कि लकड़ी की चोरी करना गुनाह होता है, पकड़ा जाता, पीटा जाता। अब तो जंगल ही उसका घर बन गया और डकैती जिंदगी। एक बार जंगल के वार्डन ने समझाया, सारी जिंदगी भागता फिरेगा क्या? और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने असल जिंदगी से पहचान कराई। रमसू की आंखें खोल दी कि अगर वो चाहे तो जंगल की चोरियां रोक सकता है। उसे तो मनचाहा काम मिल गया, चोरों को पकड़ता, समझाता, न माने तो डंडे भी बरसाता। आज रमसू 60,000 पेड़ों की रखवाली करता है, अच्छी खेती बाड़ी करता है, गांव के बड़ों में उसकी इज्जत है। पढ़ना लिखना सीख लिया तो जिंदगी को जीत लिया। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। मालवांचल के बंडिया जंगल का आदिवासी रमसू, जंगल ही उसका घर था और डकैती जिंदगी। पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन ने असल जिंदगी से उसकी पहचान कराई, जीवन में प्रकाश फैलाया, रमसू की आंखें खोल दी। अब तो वो चोरों को पकड़ता है, समझाता है और 60,000 पेड़ों की रखवाली करता है, अच्छी खेती बाड़ी करता है, गाँव के बड़ों में उसकी इज्जत है। ये कहानी नहीं है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन।